I want you to jump like you're trying to get stuck in the air. If you feeling so. वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज है वीकेंड, सूर्य का छुट्टी है, मॉर्निंग का टाइम है, ये टाइम बज रहा है 10:30। अभी हम घर से निकले हैं क्योंकि इवनिंग का टाइम में, जैसे कि मैं पिछले भी ब्लॉग में आपको बताई हूँ कि पॉसिबल नहीं है कियान को लेके इवनिंग टाइम में पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये उठता है इवनिंग को, बहुत लेट उठ जाता है। मतलब बाहर तो निकलता है लेकिन डे लाइट में जो चीज़ देखना होता है ना, कियान को लेके पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसको उठाओ, खाना खिलाओ, फिर से लेके जाओ तो पूरा एकदम अंधेरा हो जाता है। इसलिए सुबह ही कहीं निकलते हैं। एक्चुअली मैं ऐसे ही देखी थी न्यूज़ में कि कोई मतलब बार्ड्स पैराडाइज करके कुछ एग्जीबिशन लगने वाला है। हर जिनको भी बार्ड पालने की शौक है, लोग सब आके एक जगह पे अपना बार्ड को शोकेस कर सकते हैं, एक तरह की एग्जीबिशन की तरह मैं देखी हूँ। लेकिन मैं सियोर नहीं हूँ कि ये रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सूर्य एंड मैं ऐसे ही बात कर रहे थे कि अगर शोकेस होता है तो कियान को बार्ड देखना पसंद है, आके वो कियान देख लेगा। अगर नहीं भी होता है जाके हम लोग सीप मॉल विजिट करके आएंगे, क्योंकि सीप मॉल का जो लोकेशन है वहां पर ही शोकेस कर रहे हैं ये लोग। मतलब कर रहे हैं, मतलब मैं देखी हूँ न्यूज पे ऐसा है। बाकी तो जाके ही पता चलेगा एक्चुअली है भी या फिर नहीं है, टाइमिंग का हमें कुछ मालूम नहीं है। तो पता करेंगे जाके वहां पर, क्योंकि डिटेल्स में जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दिया गया है। तो चलिए मैं अगर होता है तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे यहाँ पर बार्ड का जो एग्जीबिशन लगता है वो। कुनो वेयर यू विल गो अगेन? कियान को बार देखना बहुत पसंद है, तो वो तो पता नहीं पूरा जगत में आ गया। हमारे घर के साइड में जितना भी बाढ़ है ना, वो खिड़की से ऐसे देखता रहता है। यहाँ तो मजे है कियान का। ये देख कियान उधर, चिक चिक चिकन चिकन, कैसे कहता है चिकन? Come here, rabbit, rabbit. Rabbit. See, see, rabbit. Rabbit. Rabbit can go see. Half little bunny, half, half, half. बार्ड का बहुत सारा वैरायटी है जो कि मैं यूजुअली नहीं देखी थी यहाँ पर। तो ये पालतू बर्ड्स है, मतलब जो बाहरी नहीं है यहाँ पर पाले है अपने घर पे, वो ही शोकेस हुआ है। एंड ये जो दो नेस्ट है ये ऑलरेडी खाली हो चुका है क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं। Hi. I love bird. There is a lot of kinds of pigeons, different colors, different patients.
There is a lot of fish. Very this is the first fish and sea. Okay. And this one also, it's a tumbler. This is a tumbler of birds, tumbler of pigeons. I will show you how it is. अच्छा ये ऊपर नहीं उड़ रहा है मतलब ऐसे ही घूम रहा है नीचे दिस इज फॉलिंग टेम्पलर इट्स मीन रोलिंग दिस वन ना देयर इज नो दिस इज नॉट फ्लाई नॉट फ्लाई हां ओनली रोल जस्ट लाइक दैट एंड इट विल नॉट गो आउट आल्सो नॉट गो आउट ओ वेरी गुड नॉट गो अप नो नॉट फ्लाई जस्ट इन This is not stop. This is also running. Hey. 2 3 bird. Kon re chada kono? Bird. How bird is doing? Kian. Like it, actually, too? I love that one much. Then touch karel kaise ha? Again kiya, again. Yes, Papa is there with two. Papa. Early morning today. If you come early morning, it's very nice show. It was macaw. You know macaw. This is big birds, big birds. They are flying here. Flying for so people there. Every Friday, Saturday, it will happen. Yeah, yeah. Next Friday will come. Come here early morning. Early morning. Yes. Kian. Uncle, go. Hi, girl. Uncle, hi. Thank you. I am a grandfather. Bye. Oh, I have five. Hi, girl. Oh, really? Five children? One daughter. Have two boys. And one daughter have two girls and one boy. Oh, yeah. Take care of our life because of our children. Right, sister? Yes. जो लास्ट में हम देखे उसको बुलबुल बोलते हैं मतलब जो जैसे हम लोग बात करते हैं ना अगर सीखा होगा तो बुलबुल बात करते हैं ऐसे मतलब सूर्या बोलते हैं मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था उनका साउंड सो ब्यूटीफुल दैट से सर्जन नाइड वाज द बुलबुल ऑफ इंडिया मींस वेरी नाइस वॉइस यस फ्रेंड्स देखे कि नहीं कितना मतलब अच्छा बर्ड एक्चुअली क्या बोल रहे थे वहाँ पर जो अंकल थे ना वो बोल रहे थे कि मॉर्निंग पे जो बड़ा बड़ा पैरट होता ना बड़ा बड़ा जो दिखते हम लोग तो उस टाइप का पैरट भी था इधर जो कि उड़ रहे थे उधर ऐसे बोले तो हम लोग लेट हो चुके आने के टाइम में भी देखे कि दो तीन लोग उठा के अपना जो है ना केस लेके जा रहे थे तो सोच रहे कि सूर्यास्त में फिर से आ गए यहाँ पर
तो देखती हूँ क्या होता है। ओपनिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग 7 o'clock से लेके इवनिंग 5 तक टाइमिंग रखा गया है, लेकिन धूप हो रहा ना इतना, मतलब बर्ड्स का मतलब मरने की चांसेस है, इसलिए अभी ये टाइम मतलब 11 o'clock तो पूरा चले जाते हैं सब। 7 to 11 आप पकड़ सकते हो अगेन इवनिंग को, मतलब आफ्टरनून में फिर आएंगे, फिर उसको शोकेस करेंगे, फिर लेके जाएंगे घर, वैसा है। मतलब जो एग्जीबिशन है वैसा थीम है, जितना मैं पूछ के मुझे जो पता चला। एक्चुअली मैं देखी थी कहाँ पर, बाहर न्यूज़ में एक आया था यहाँ पर कि बर्ड पैराडाइज होने वाला है जो एनिमल लवर होते हैं उनके लिए। तो मैं सोच मतलब आई वॉज नॉट श्योर कि यहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है। तो ऐसे ही मॉर्निंग का टाइम है तो सूर्या एंड मैं बात कर रहे थे कि लेके जाते हैं कियान को, एक चक्कर लगा के आते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे यहाँ पर एक मॉल है सीप मॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है सीप मॉल। तो सोचे कि अगर नहीं होता है तो यहाँ पर घूम के चले जाएंगे, ऐसे सोच के आए। लेकिन बर्ड तो देखने के लिए मिला, लेकिन पूरा जो था पूरा नहीं देख पाए हम लोग, तो सोच रहे कि फिर से आएंगे। Water. 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 This water. Mama Mama Asa asa. Kire? So Surya leke aa raha hai Kian ka stroller and ye hai Seaf Mall. Andar hum ja rahe hai Seaf Mall ke. एक्चुअली मेरी बैग जो है वो अंदर रखा था गाड़ी के अंदर, कियान का बिस्किट बिस्किट सब है, अगर नहीं लेके जाऊंगी अंदर तो रोएगा उधर जाके, तो इसलिए सूर्या को बोलिए स्ट्रॉलर के साथ बैग भी ले आए, ताकि थोड़ा कियान के लिए कोई पानी वानी हो गया, वो पानी मांगेगा थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा सा इसलिए। ये है सीप मॉल। सीप मॉल का ऑलरेडी मैं एक बनाई थी वीडियो, तो पूरा नहीं दिखा रही हूँ, बस जो मैं खरीदूंगी बस वो देखोगे आप। आज मैं ये आई शैडो देख रही हूँ ग्लिटरी वाला, ऑलरेडी ये वाला मेरे पास है, एंड थोड़ा सा ऐसे सिल्वरी शेड में देख रही हूँ, एंड ये पूरा जो आई शैडो पैलेट है ये थोड़ा ग्लिटरी में। तो फाइनली मैं ले रही हूँ एक लिपस्टिक जो कि इसके अंदर है, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। कोनो यहाँ पे जब भी गुजरती हूँ तो मैक का तो एक शॉपिंग मेरा होता है, तो ये है मेरा लिपस्टिक। बहुत दिन से मैं एक लिपस्टिक सेट ढूंढ रही थी जो कि मुझे परफेक्टली मिला है यहाँ पर, तो उसको मैं ले रही हूँ फाइनली। ये है बाहर इनका फ्लावर। कौन डरे कुनु कुनु, व्हाट पापा इज डूइंग, कितना सारा बर्ड यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर दाना डालते हैं ना, तो ये बर्ड सब यहाँ पर है। एग्जीबिशन की बर्ड तो अलग बात है, ये बर्ड देख के क्या एकदम खुश हो रहा है। कुनु फॉर इज बर्ड, फॉर इज बर्ड, चप्पल क्यों नहीं करा था तू? कभी भी मैं शॉपिंग करने निकली हूँ तो सूर्य का कमर दर्द पेट दर्द सब शुरू हो जाता है। आज जैसे कि सूर्या देखे कि मैं शॉपिंग करने निकल पड़ रही हूँ, बोले कि मुझे कमर, सुबह से एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे कि वहां पर जाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे बच्चे के लोग खड़े होते ना ऐसे, अरे मेरा कमर दर्द कर रहा है और तू शॉपिंग कर रही है, तो मुझे और दूसरा जो शॉप है वहां पर जाने का कोई मौका नहीं मिला। एक दो जगह घूम के मैं आई हूँ, कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पर कियान को देखिए, मास्क मास्क पकड़ना होता है इसको बंदूक पे भी। नो व्हाट आर यू ईटिंग, कौन रहा सेटा बी बी। फ्रेंड्स अभी तो हम आ चुके हैं घर, लेकिन बहुत बड़ा वाला जो पैरट होता है ना, मकाओ वाला पैरट, बड़ा पैरट कलरफुल वाला जो हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल में एंड बुक में, वो वाली पैरट भी उधर उड़ रहा था। वो अंकल जैसे कि जो बोले वो मुझे समझ आया, तो हम सोचे हैं कि अगेन कल जाएंगे कियान को लेके वो दिखाने के लिए। सूर्या का तो ऑफिस है, लेकिन मैं सोची हूँ कि मेरी एक फ्रेंड के साथ मैं जाऊँगी कियान को लेके उधर, तो उसका ब्लॉग ना मैं जल्द ही देने की कोशिश करूँगी, मतलब इसके बाद वाला ब्लॉग में होपफुली आ जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं,
करूंगी। सो फ्रेंड्स, उसके लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यूली विजिट करो देन डू सब्सक्राइब चैनल इज मम्मास वर्ल्ड कियान। जल्दी सब्सक्राइब करके जाओ एंड लाइक भी कर लेना।